ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच में वजूद को लेकर लड़ाई जो चल रही थी, उसमें लगभग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से पूछा, जो वीके सक्सेना ने एमसीडी में 10 एडर सदस्य नियुक्त किए, उसका शक्ति स्रोत क्या है, तो एक तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना के जो 10 एडर सदस्यों की नियुक्ति का मामला है उस पर जो है उंगली उठा दिए और एलजी वीके सक्सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, ये फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आधा निश्चित माना जा रहा है। और जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के अधिकार को लेकर अरविंद केजरीवाल को एक राहत मिली और एलजी वीके सक्सेना के अधिकार पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को अधिकार दे दिए गए और डीवाई चंद्रचूड़ ने विशेष रूप से बोला कि यदि एलजी वीके सक्सेना का हस्तक्षेप चुनी हुई सरकार में रहेगा तो अस्थिर हो जाएगा और जो अधिकारी हैं उनका मनमानी होगी, वो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। तो एक तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने अरविंद केजरीवाल की सरकार का इस मामले में पक्ष लिया है। और यदि एमसीडी में आप बात करें तो एमसीडी में आप याद कीजिए, जब एमसीडी के जो परिणाम आए थे चुनाव के, उस समय जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बढ़त ले रही थी, तो उस समय तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी, इन लोगों ने कहा था कि एमसीडी में मेयर तो हमारा ही होगा। तो एक तरह से एलजी वीके सक्सेना की जो ताकत है उसके बल पर मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ने वह बयानबाजी की थी। आपने देखा एमसीडी में जब मेयर पद का चुनाव हुआ, बड़ा हंगामा हुआ और हंगामे के बाद में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जो एडर सदस्य नियुक्त किए थे एलजी वीके सक्सेना ने, उन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और एमसीडी में मेयर पद जो है आम आदमी पार्टी ने कब्जा लिया, शैली ओबराय मेयर बनी और डिप्टी मेयर पद का पदवी जो आम आदमी पार्टी ने कब्जा लिया और स्टैंडिंग कमेटी को लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी जो है माथापच्ची कर रही थी। एडर सदस्यों के मामले में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एडर सदस्यों की नियुक्ति का ये मामला, इस पर उंगली उठी है। खुद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एलजी वीके सक्सेना के जो शक्ति स्रोत है एडर सदस्य नियुक्त करने के, उनके मामले उनके बारे में पूछा है। तो एक तरह से ये जो एडर सदस्य एलजी वीके सक्सेना नियुक्त किए, इनको रद्द किया जाना तय माना जा रहा है। एक तरह से दिल्ली सरकार के बाद में एमसीडी पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का कब्जा बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार के साथ में एमसीडी मेयर डिप्टी मेयर के साथ में स्टैंडिंग कमेटी पर भी जब आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा तो जनता के लिए आम आदमी पार्टी क्या काम करेगी। अब कोई बहाना अरविंद केजरीवाल के पास कोई नहीं बचेगा विकास के मामले में। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर